नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। शुरुआत से पहले एक नजर डालिए इस वीडियो पर। किसके आदेश से तोड़ रहे हो? कलेक्टर के आदेश। पैड की बैटरी निकाल ली ना, कैसे कैसे तोड़ दोगे तुम? तुम्हारे पास लिखे थे कोई हैसियत है? बीवी पैड की बैटरी। किसी की बैटरी? किसी की सील कैसे तोड़ सकते हैं? आदेश दिखाइए हमको। आप कौन होते तोड़ने वाले? नहीं, बीवी पैड की बैटरी निकालने के लिए पहले क्यों नहीं निकाली गई? ये तुम्हारी गलती है। तुमने बैटरी वहीं निकाल के रखनी चाहिए। जो आ रहा मन चाह रहा है वो सब सील तोड़ रहे हो। आदेश किसका है? लिखे जाए आपके पास की तोड़ दो सील। अब इसकी अभी भी इसकी सील लगाई गई। अभी सील लगाई गई। अभी तक सील वहाँ नहीं लगाई थी क्या? कौन नहीं ले रहा है ये तो आप बताइए, कौन नहीं ले रहा है? आप लोगों को बताइए। कानपुर देहात में बीती रोज एक मतदान केंद्र के बाहर वीवीपैट की सील तोड़ने का वीडियो वायरल हुआ और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ की भोगनीपुर विधानसभा सीट की पोलिंग बूथ पर कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक जमकर हंगामा करते हुए नजर आए और ये नाराजगी हंगामा इसलिए क्योंकि उनका आरोप था कि वहां पर वीवीपैट की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी वीवीपैट सील तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर कर्मचारी के पक्ष की बात करें तो उसने कहा कि वो वीवीपैट से बैटरी निकालने की कोशिश कर रहा था, जबकि बैटरी निकालने की प्रक्रिया सील करने से पहले की जाती है। वहीं इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि वीवीपैट की वैसे तो मतदान केंद्र में ही बैटरी निकालने का नियम है, लेकिन आरोप लग रहा है कि मतदान केंद्र के बाहर ये कर्मचारी सील लगे होने के बावजूद उसमें से बैटरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर समाजवादी के लोगों ने एतराज जताया और उस पर जमकर बरसते भी नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, कई सवाल उठाए, साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीवीपैट की सील तोड़ने का ये वीडियो आने के बाद वहां के जिम्मेदार निर्वाचन अधिकारी पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है कि आखिर क्यों इस तरह का कृत्य हो रहा था और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसको पर जल्द से जल्द कानपुर देहात के वहां पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी नजर फिरानी चाहिए और इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार इस मामले को लेकर हंगामा कर रहे हैं, सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन देखना अहम होगा कि इस पर निर्वाचन अधिकारी और वहां पर बैठे मौजूदा अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, जिनकी ये कि सुनिश्चित करना वीवीपैट के सुरक्षा में रखा हुआ है वो सुरक्षित है कि नहीं, वो कब तक इस पूरे मामले पर अपनी जवाबदेही पेश करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगी किसी और घटनाक्रम की आपके सामने सच्चाई लेकर, उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। और हाँ, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।